नमस्कार। आज अपनी कक्षा 8 के अध्याय 2 के भाग 2 को अपने देखेंगे, जिसमें पहले भाग में हमने भूमि के बारे में पढ़ा, मृदा के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार के संसाधन हैं और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। अभी अपने क्या है, आगे के जो संसाधन हैं, अपने प्रकृति पदार्थ जो संसाधन है, जल है या प्राकृतिक वनस्पति है या वन्य जीव संपदा जो है, उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं अपने जल के बारे में। जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी यह दोबारा से बनता है, लेकिन मानव के हाथ में नहीं है इसको दोबारा बनाना, इसको तैयार करना। हालांकि मानवीय क्रियाओं द्वारा भी बनता है, लेकिन वैसे क्या है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक क्या है, प्रक्रिया है। हाँ, तो जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा यह पुनः धरती पर संचयित हो सकता है। अब देखिए, पृथ्वी का जो अधिकांश भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है, यानी अपने कह सकते हैं कि तकरीबन 70% जो भाग है वो पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। अब जल से इतना ज़्यादा घिरा होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जल की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर क्या है, जीवन संभव हो पाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआती जीवन था, ठीक है, प्रारंभिक जीवन जो शुरू होता है वो कहाँ होता है, जल में होता है, महासागरों में माना जाता है जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। अब इतनी भारी मात्रा में जल है, लेकिन यह संसाधन क्या है, हमारे लिए उपयोगी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि हालांकि लगभग 70% भूभाग जो है वो जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें जो दो तिहाई भाग है, या मतलब आप कह सकते हो लगभग अधिकांश जो भाग है वो महासागरों के अंदर मौजूद है। यानी जल का अधिकांश भाग, अधिकांश या कह सकते हो आप लगभग पूरा भाग क्या है, महासागरों में है। अब महासागरों में होने के कारण क्या है, यह जल पाया जाता है लवणीय, और लवणीय जल क्या है, मानव उपभोग और उपयोग योग्य नहीं है। तो इसके कारण क्या है, जो महासागरों में जल अधिकांश रूप में पाया जाता है, उसके अलावा जो जल बच जाता है वही जल हमारे क्या है, काम में आ सकता है। अब जो बाकी का जल बच गया, अब जैसे कुछ आंकड़े बताते हैं कि मतलब 2.7% ही जल जो है वो क्या है, 2.7% जल अलवणीय जल है। कहने का मतलब, लवणीय का मतलब हो गया खारा, जो महासागरों में खारा पानी होता है। शुद्ध पानी या मीठा पानी जो है, जो भोग योग्य भी है, जिसका उपयोग किया जा सकता है खेती के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, अन्य बहुत से कार्य हैं जो, वो सिर्फ क्या है, पृथ्वी पर 2.7% ही है। अब देखो, कहीं तो क्या है, पूरी पृथ्वी जो है वो 70% भूभाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन वो इतना सारा जल का सिर्फ 2.7% भाग ही क्या है, अलवणीय है, यानी उपभोग योग्य है। अब उसमें से भी जो ज़्यादातर भाग है वो क्या है, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका आदि जो ग्लेशियर है या हिमनद है, ग्लेशियर, हिमनद या बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं ध्रुवीय क्षेत्रों पर या पहाड़ों के ऊपर, यानी जो शुद्ध जल है 2.7% जो शुद्ध जल है, उसका भी अधिकांश भाग क्या है, कहाँ पर मौजूद है, हिमनद के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या पर्वतों पर,
या पर्वतों पर किसके रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, मानव की पहुंच तक यानी मानवीय पहुंच तक या जिस जल तक क्या है, जिस जल के स्रोत तक मानव की पहुंच है, वो जल तो मात्र 1% है। और यह सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले 7 अरब से भी या तकरीबन 8 अरब लोगों के लिए सिर्फ 1% जल, पृथ्वी का मात्र 1% जल ही क्या है, काम में ले सकते हैं मानव। और सिर्फ मानव नहीं है इस पृथ्वी पर, पेड़ पौधे जीव जंतु भी विद्यमान है, उनको भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी मानव के लिए जल जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इतना कहना कि सिर्फ 7 अरब लोगों के लिए पूर्ण नहीं होगा, यह 1% जल संपूर्ण पृथ्वी के जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब अपने देख सकते हैं कि जल जो है वो बहुत ही बहुमूल्य संसाधन बन जाता है, अपनी बहुत सी खूबियों के कारण, विशेषताओं के कारण और अपने कम होने के कारण, यानी इसकी कमी है जिसके कारण यह क्या है, बहुत ही बहुमूल्य संसाधन तैयार है, बन गया जाता है। इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, इसका क्या है 29% लगभग भाग ही क्या है, धरातल है। मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ पार्ट डिवाइड करके बता रहा हूँ। ये जो बाकी का क्षेत्र बच जाता है वो क्या है, जलीय क्षेत्र है, यानी लगभग 71% या इसके लगभग क्या है, जल है पृथ्वी पर, ठीक है। अब देखिए ये जो धरातल का भाग है, इसके अलावा जो 71% भूभाग पर जल है वो तो क्या है, महासागरों में विद्यमान है, जो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। पृथ्वी पर क्या है, जल मतलब धरातल ये भूभाग पर भी क्या है, जल है, जो नदियों के रूप में जलाशयों, जलाशय या भूमिगत जल के रूप में, ठीक है, झीलों के रूप में हमें क्या है, प्राप्त होता है धरातल पर भी, धरातल के नीचे भी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, यह 2.7% मात्रा में है। इसको अपने नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं कि ये जो धरातलीय क्षेत्र है इस पर 2.7% जल है जो क्या है, उपभोग या उपयोग योग्य है, जिसका अपने यूज कर सकते हैं, योग्य जल, ठीक है। यानी ये मान लीजिए संपूर्ण जल है और उसका सिर्फ 2.7% क्षेत्र जो है वो उपभोग योग्य है, बाकी क्या है, लवणीय जल है, ठीक है। अब लवणीय जल इतना है लेकिन वो क्या है, जो महाद्वीप हैं, ध्रुवीय महाद्वीप हैं, वहाँ पर या पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, हिमनद के रूप में जमे हुए हैं, तो सिर्फ 1% जो भाग है जल का वो नदियों, जलाशयों, भूमिगत जल और झीलों के रूप में हमें उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जल इतना ज़्यादा कीमती संसाधन है और यह क्या है, बहुत ही कम मात्रा में हमें प्राप्त है। अब जैसे अब ये बताया जा रहा है कि 1975 में लगभग 3000 घन मीटर जो जल की मात्रा है, किलोमीटर प्रति वर्ष क्या है, उपयोग किया करता था मानव, लेकिन सन 2000 के बाद यह लगभग दुगनी हो गई, 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी ज़्यादा क्या है, मानव जल का उपयोग करने लगा है। इसके अलावा जल के बारे में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। अब एक बात कही थी मैंने शुरुआत में कि जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, तो वह नवीकरणीय किस प्रकार से बन सकता है, ये तो हमने समझ लिया कि यह एक बहुमूल्य संसाधन है। अब यह नवीकरणीय कैसे होता है, दोबारा इसका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का भाप बनकर ऊपर उठना, ठीक है।
वर्षण, वर्षण का मतलब होता है कि वर्षा होना, दोबारा से जल के रूप में पृथ्वी पर जो बादल बने हैं वो वर्षा करवाते हैं, ठीक है। तो इस रूप में क्या होता है, जल का नवीकरण होता है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, देखो ये क्या है, कोई महासागर है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ आसपास क्या है, इसके देश है, ठीक है, यहाँ महासागर है। जब सूर्य की किरणें महासागर पर पड़ती है तो इसका जो जल का ऊपरी भाग है वो क्या है, वाष्प बनता है, ठीक है। वाष्प बनकर क्या करता है, बादल बनते हैं, ठीक है। बादल संघन होकर यानी क्या है, कई चीज़ों से मिलकर बनते हैं, धूल मिट्टी कण वगैरह और पानी की आर्द्रता को लिए हुए वो चलते हैं। जिस भी स्थान पर क्या है आर्द्रता उनको प्राप्त होती है वहाँ वो पिघल कर क्या है दोबारा वर्षा के रूप में वर्षा करते हैं। तो देखिए कि यहाँ जल यहाँ से हटा, दोबारा वाष्प बना और फिर दोबारा से जल के रूप में प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, यह जो जल था वो दोबारा से हमारे उपयोग योग्य हो गया, यानी इसका नवीकरण हो गया है। लेकिन ये नहीं है कि हमने जल पी लिया वो ही दोबारा हम यूज कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। या हमने कपड़े धो के छोड़ दिए भाई, वो दोबारा से जल दोबारा से काम में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। या हमने जल को दूषित कर दिया है और उसको दोबारा से सही करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह मिलानी पड़ेगी, या हो सकता है फिर भी वो पूरे रूप से साफ हो भी ना, तो उस स्थिति में क्या है, जल नवीकरण नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, नवीकरण के द्वारा जल दोबारा से प्राप्त किया जाता है। और इस पूरे चक्कर को यानी यह चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि ये वर्षा होगी तो नदी के द्वारा यह पानी दोबारा समुद्र में आएगा। इसको यहाँ समझा देता हूँ मैं दोबारा से कि जल चक्कर क्या है, एक शब्द आता है आपकी जल चक्कर, जल चक्कर, जल चक्कर का मतलब है ये कोई वाटर बॉडी थी मान लीजिए समुद्र वगैरह, यहाँ से भाप बनकर क्या है बादल बना है, बादल बनकर क्या है यहाँ जाएंगे हवा के साथ, वायु का वेग उनको जहाँ भी ले जाएगा, यहाँ क्या करेंगे ये वर्षा करेंगे, यहाँ नदी के द्वारा वह जल दोबारा से बहा जाएगा और जो उपयोग होगा मानव के द्वारा वो हो जाएगा और दोबारा से यह किसी महासागर में दोबारा से पहुँच जाएगा। तो यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था जल, यानी महासागर से स्टार्ट हुआ था और दोबारा क्या है महासागर में ही पहुंच जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या है चक्कर बन जाता है। तो इस चक्कर को क्या बोलते हैं, जल चक्कर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जल के बारे में समस्या क्या है। देखो भी फसलों के लिए जल चाहिए, हमारे घरों पर हमें काम जो भी है वो भी जल की आवश्यकता के बिना नहीं हो सकता। अपने खाना बनाते हैं तो मतलब आटा तैयार करने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, सब्जी बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए। उसी प्रकार से कृषि है तो उसमें सिंचाई करने के लिए, ठीक है, फसलों को तैयार करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। या आजकल क्या है नगदी फसलें बहुत ज़्यादा उगाने लगे हैं जिसका क्या है पैसे के द्वारा उनको फ़ायदा हो सके। जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण भी क्या है जल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। शहरों का जो स्तर है या शहरों का जो आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी क्या है जल लगातार कमी आती जा रही है। तो अभी अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि जल उपलब्धता की समस्याएँ कैसे आ रही हैं। देखो भी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी एशिया, सबसे पहले पर क्या है अफ्रीका कह सकते हो आप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी अमेरिका एक तरह से कहा जा सकता है। लगभग सारे महाद्वीप आगे अंटार्क्टिका या फिर यूरोप को छोड़कर क्या है लगभग सारे महाद्वीप हमारे पास हैं अभी। और इन सभी महाद्वीपों में क्या है पीने के पानी
पीने के पानी या उपयोग योग्य जल की क्या है, कमी है, उपयोग योग्य जल की कमी है इन सारे महाद्वीपों में। क्या है इसका कारण? क्योंकि इन्हीं महाद्वीपों में क्या है, जनसंख्या का स्तर सबसे ज़्यादा है। जैसे देखते हैं अपने एशिया, जो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी बड़ा महाद्वीप है, और क्षेत्र की दृष्टि से भी सबसे बड़ा, सॉरी फिर एशिया के बाद जो है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर भी मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से अफ्रीका है महाद्वीप, एशिया नहीं है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है। एशिया में भी क्या है, विकसित देश हैं और यहाँ पर विकासशील देश हैं, और वो भी क्या है, लगातार जल वगैरह के जो संसाधन हैं उनकी कमियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, जल की मात्रा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। इन सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है? इन सभी चीज़ों के पीछे के कारण ये है कि यहाँ पर वर्ष में क्या है, नियमित रूप से वर्षा नहीं होती, नियमित रूप से वर्षा नहीं होती, यानी जो वर्षा का समय है वो पर्टिकुलर नहीं है। क्या कारण है? यहाँ की जलवायु भौगोलिक स्थिति आदि के कारण क्या है, यहाँ पर लगभग हर बार सूखा पड़ता रहता है, वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और लगातार क्या है, इन्हीं देशों में जल का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, यानी जो जलीय स्रोत है उनमें प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस समस्या के कारण यहाँ पर अलवणीय जल की आपूर्ति होना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। लोग जल के अभाव में उनको अब जीना पड़ रहा है, जल के अभाव के साथ ही वो क्या है, अपने जीवन को काट रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लगातार इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रही तो एक दिन ये महाद्वीप लगभग पूर्णतः सूख जाएंगे। तो ये क्या है, जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है, समस्याएं ये है इसके साथ कि इतने बड़े क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में रहती है और वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, लगातार क्या है, सूखा पड़ रहा है। दूसरा मैंने बताया कि संसाधन जो है जल के, या जितने भी स्रोत हैं उनको भी लगातार दूषित किया जा रहा है मानवीय क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक रूप से, तो जल क्या है, बहुत ही कम चांसेस है दूषित होने के, तो जिसके कारण क्या है, जल में की जो उपलब्धता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, लोग जल के अभाव में ही क्या है, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या अपना जीवन जी रहे हैं। अब देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, तो और जो जिसकी कमी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जल संसाधनों के संरक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है वो देखते हैं कि एक तो विश्व की जनसंख्या, अब देखिए विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप जानते हैं, उन सभी तक जल पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों बढ़ जल पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें क्या है, अब समस्या के संसाधनों का संरक्षण करना है। तो संरक्षण के लिए क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जलीय स्रोत है उसके आसपास घनी आबादी नॉर्मल सी बात है, वहाँ बस्ती है, लेकिन घनी आबादी नहीं रखनी चाहिए, उससे दूर रखनी चाहिए, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र जो होगा वो क्या करेगा, अपने अपशिष्ट वहीं डालेगा, अपशिष्ट क्या करता है, वहीं डालता है, और वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, जलीय स्रोत में पहुँच जाते हैं, जिसके कारण जो जलीय स्रोत उनकी आपूर्ति करने वाला था वही अब क्या हो गया है, बीमारियों या मच्छरों वगैरह का स्रोत हो गया है।
किस इसके पीछे कारण क्या था, उसी आबादी ने क्या किया था, अपना कचरा या अपशिष्ट क्या है उसी के अंदर डाला था। तो पहला संरक्षण का उपाय क्या होगा कि जो भी आबादी है उसको वहाँ से हटाया जाए, या फिर इस प्रकार का उपयोग किया जाए कि कचरा जो है वो जलीय संसाधनों तक न पहुँचे। दूसरा, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, कारखाने या जो मिल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो मिल्स वगैरह जो है अपना केमिकल वाला जो कचरा होता है, कांच वगैरह जो और भी चीज़ें हैं, वो क्या है सीधा नदियों में या नालों में क्या है बहा देते हैं। अब वो तो क्या है अपने फ़ायदे के लिए सीधा बहा देते हैं ताकि उनको क्या है इस पूरे कचरे को डिस्पोज करने में खर्चा ना आए, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, जो जल के अंदर जीव रह रहे होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब मान लीजिए मछली वगैरह उसने कांच वगैरह निकला है तो वो उसको मरना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, उसकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार के जो जीव हैं जो क्या है जल में दूषित पदार्थों को नष्ट करते हैं या जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं वो भी मर जाते हैं, और साथ ही साथ क्या है जल केमिकल वाला हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो उपयोग योग्य नहीं रहता। और जैसा कि मैंने बताया सिर्फ उपयोग योग्य कितना जल है, 1%, वो भी हमारी पूरी पृथ्वी के पास न कि सिर्फ हमारे देश के पास। तो हमें इस प्रकार से जो दूषित करने वाले तत्व हैं औद्योगिक वगैरह जो क्षेत्र हैं या बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं जनसंख्या वाले क्षेत्र है जो हैं वो अपना कचरा वहाँ पर न डिस्पोज करें। नेक्स्ट क्या है, कृषि के द्वारा किस प्रकार से जल दूषित हो रहा है वो देखते हैं। कृषि जो है उसमें रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स या रासायनिक उर्वरक वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ का जो भूमि है उसके अंदर जो भूमिगत जल जाता है वो इस प्रकार के कुछ गुण लेकर के है नीचे ज़मीन तक पहुंचता है, जिसके कारण भूमिगत जल भी नष्ट होता है, और यह जो चीज़ें हैं वो अगर जलीय स्रोतों में के पास पहुंच जाती है या जलीय स्रोतों में पहुंच जाती है तो भी यह क्या है नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्या है, इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पेस्टिसाइड जितना हो सके उतना कम डालना चाहिए, ठीक है, कारखाने हैं उनको हटाना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, जो नहरें हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है उनके अंदर जो रिसाव क्षेत्र हैं या जिनसे पानी लीक होकर दूसरी जगह बहता रहता है उन रिसाव क्षेत्रों को रोकना चाहिए ताकि पानी का रिसाव न हो और जो जल है वो सीधा उपयोग में आ सके और जल का क्या है नुकसान भी न हो। इसके अलावा जो क्षेत्र खेती योग्य क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्या है सिंचाई की पद्धति अपनानी चाहिए, ठीक है, जहाँ मतलब पानी की आपूर्ति ठीक ठाक हो रही है, लगभग पूरी हो रही है, वहाँ फव्वारा सिंचाई द्वारा क्या है सिंचाई करनी चाहिए। और जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए, ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई करनी चाहिए, बूंद बूंद सिंचाई करनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या है फ़ायदा होगा, एक तो क्या है फसलों को पानी भी सही मात्रा में मिलेगा, दूसरा पानी का व्यर्थ बहाया नहीं जाएगा, तीसरा मिट्टी का अपरदन नहीं होगा जिसके कारण क्या है मिट्टी बहकर दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या है जो पौधों का रोपण है वो सही ढंग से किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिसके कारण क्या होगा अवरोध होगा जलीय प्रवाह में, और अवरोध के साथ मिट्टी की पकड़ तो बनी रहेगी, साथ ही साथ उस अवरोध के कारण क्या है भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी होगी किसके द्वारा अवरोधक, ठीक है, बढ़ोतरी होगी। अगर पेड़ अवरोधक का कार्य या फसलें वगैरह जो है या वनस्पति जो है वो अवरोधक का कार्य करेगी तो भूमिगत जल में भी क्या होगी बढ़ोतरी होगी लगातार, इसका फ़ायदा भी क्या है
किसानों को मिलेगा और हमें भी आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंचाई के जो साधन हैं उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, एक बहुमूल्य संसाधन है हमारा। इसके अलावा जो भी क्या है जल को दूषित करने वाले तरीके हैं, जैसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो अपना कचरा वाहन नहीं डाले, कारखानों को सख्त हिदायत के साथ या कानूनी व्यवस्था के साथ क्या है वो कचरा अलग जगह डिस्पोज करने का तरीका ढूंढे जाए। ठीक है, तो जितना कम हो सके जल को दूषित किया जाए या दूषित नहीं ही किया जाए तो ही अच्छा रहेगा, तभी क्या है हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे लिए जल सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जल है तो कल है। ठीक है, जल के बिना आप सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपने जल के बिना उपयोग करते हैं। हम स्वयं जल के बिना नहीं चल सकते, तो फिर हमें बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फ़ायदा ही क्या है फिर। तो इसलिए जल क्या है हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए और वनस्पति के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो सभी के उपयोग को समझते हुए जल को दूषित न ही किया जाए, तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्या है, जैसे मैं सौराष्ट्र का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। सौराष्ट्र नाम का जो क्षेत्र है अपने भारत में, वो क्या है, उसकी लगभग 1.25 लाख जो आबादी है वो क्या है अपने आसपास के तालुकों या गांवों पर क्या है डिपेंडेड है, आधारित रहती है। किस लिए? जलों के लिए। ठीक है, जल के लिए, जिसके कारण क्या है जल की कीमत जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आम जो नागरिक है, सामान्य जो जनता है या जो गरीब लोग हैं, वहाँ उनकी पहुँच तक क्या है जल बचे ही नहीं, या सिर्फ क्या है जल वो चीज़ रह जाए जो सिर्फ अमीरों के काम योग्य है, वो वस्तु न बनकर सभी के उपयोग में आ सके। क्योंकि जल क्या है सभी के जीवन का आधार है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल को क्या है अधिक से अधिक बचाने और कम से कम क्या है उसको व्यर्थ बहाने या उसको खराब करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके जल के प्रदूषण को बचाया जाए। इस वीडियो में क्या है अपने जल के इस भाग तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या है अपने प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्य जीवन या प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं उनका किस प्रकार से है, या प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जा सकता है, उनको ऊपर के इस प्रकार का संकट है और वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और साथ ही साथ वो किस प्रकार के वनस्पति कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप पढ़ें, ध्यान से देखें और अपने चैप्टर को भी पढ़ें और फिर इसको याद करें। धन्यवाद।